माध्यम से आरंभ किया है। महाकुंभ को सफल और यादगार बनाने के लिए सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां की हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद की एक मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वैसे तो महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद समय समय पर कई मांग रख चुका है, लेकिन इस बार मेला परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को दुकान ना देने की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखाड़ा परिषद का मानना है कि महाकुंभ हिंदू आस्था का मेला है और जो लोग सनातन धर्म नहीं मानते उनका मेला परिसर में क्या काम। साधु संत अपनी इस मांग के पीछे क्या तर्क दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरु और लीडर्स क्या कह रहे हैं, ये जानने के पहले आइए देखते हैं कि अखाड़ा परिषद ने क्या क्या प्रस्ताव पारित किए। दरअसल शनिवार को प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों की बैठक हुई। इस बैठक में जो प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए उनमें लव जिहाद के खिलाफ सख्त एक्शन, संतों की सुरक्षा, गोहत्या पर प्रतिबंध जैसी मांग की गई। संतों ने यह भी कहा कि इस बार कुंभ में शाही और पेशवाई जैसे नाम प्रयोग नहीं किए जाएंगे। कुछ संतों ने शाही स्नान की जगह अमृत स्नान नाम रखने की बात कही। इसका ज्यादातर संतों ने समर्थन किया। ये भी मांग की गई कि साधु संतों के लिए आईडी अनिवार्य की जाए, क्योंकि कई दूसरे समुदाय के लोग संत बनकर महाकुंभ में घूमने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है उस प्रस्ताव पर जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को कुंभ क्षेत्र में दुकानें लगाने की मंजूरी ना दी जाए। साधु संत आखिर मुसलमान दुकानदारों को कुंभ क्षेत्र में क्यों नहीं आने देना चाहते, इसके बारे में डिटेल से बताया अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने। कुंभ मेले को लेकर कुछ संतों ने कहा कि कोई भी मुसलमान चाहे इस्लाम के मानने वाले उसमें व्यवसाय नहीं करेंगे। संतों का कहने का भाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से समान में थूक देना, मूत देना, जूठा कर देना, तब समान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई, वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा तो उनका काम क्या है। इसके नाते जो लोग विरोध करते हैं वही लोग विरोध करते हैं, थूकने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, मूतने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई नहीं विरोध कर रहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की इस मांग का विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने समर्थन किया है। वीएचपी का कहना है कि जब मक्का मदीना जाना गैर मुसलमानों के लिए बैन है तो फिर कुंभ में मुसलमानों को क्यों आना चाहिए। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि ये एक सांप्रदायिक मांग है, इससे समाज में बंटवारा बढ़ेगा। अगर मैं मक्का के दर्शन करने जाना चाहूं तो कानूनन इस पर प्रतिबंध है, धार्मिक स्थान घूमने का स्थान नहीं है, वो टूरिज्म नहीं है। वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा रखने वाले लोग एक विशिष्ट काल में करोड़ों की संख्या में आते, इसलिए उनके लिए उचित वातावरण रहे, इसलिए मैं इस अपेक्षा को ठीक मानता हूँ कि वहाँ हिंदू आए और बाकी लोग उनकी श्रद्धाओं का सम्मान करें। अखाड़ा फत परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। साधु संतों के समर्थन में अब बागेश्वर बाबा भी आ गए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि जिसकी सनातन में आस्था नहीं है उसे कुंभ में नहीं जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान भी तो ईद बकरीद पर हिंदू कारोबारियों से सामान खरीदते हैं।
एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, चतमास को जलाया गया, राम को काल्पनिक, पाल घर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभी एक बयान पढ़ा, जो उन्होंने कहा कि जहां जहां महाकुंभ हो या कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, वहां पर दूसरे धर्म के लोगों को दूर किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसी बातें कर देश के अंदर नफरत ना फैलाएं। चाहे किसी भी त्योहार हो, जैसे मुसलमानों के ईद, बकरीद और दूसरे त्योहार जो आते हैं, हम तमाम हिंदू भाइयों के पास जाकर कपड़े खरीदते हैं, सेवैयां खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं, इसी तरह कारोबार से किसी को वंचित ना किया जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो बोला उसका संस्कृति बचाओ मन समर्थन करता है। मुझे बताइए कि कुंभ के मेले में आप मूर्ति पूजा के तो विरोधक हैं, तुम भूत पूजा को नहीं मानते, लेकिन लक्ष्मी जी आप बेचेंगे क्योंकि उससे पैसा मिलेगा, आप थूकेंगे, थूक कर हमारी मालाएं देंगे, प्रसाद में थूकेंगे, सारे जिहाद आप करेंगे और पैसे की उम्मीद हमसे करेंगे। क्या मुझे आप बताइए संस्कृति बचाओ मंच को 10 दुकानें इस्तीमे में प्रदान की सकती है? नहीं दी जाएगी। ईंट खेड़ी के इस्तीमे में एक भी हिंदू की दुकान नहीं होती, क्योंकि वहां पर आप किस प्रकार के षड्यंत्र करते हो हमें नहीं मालूम। जिस प्रकार आपका इस्तीमा कुंभ है, ऐसा हमारा महाकुंभ है, वहां पर बिल्कुल भी मुस्लिमों की दुकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से आप किसी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। चूंकि यूपी में इसी महीने 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, चुनाव आयोग ने आज ही मतदान की तारीख 13 से बदलकर 20 नवम्बर कर दी है। ऐसे में सियासी दल भी कुंभ में गैर हिंदुओं पर बैन की मांग को लेकर चल रहे विवाद में कूद गए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसमें वोट दिख रहे हैं, क्योंकि मुसलमान उनका कोर वोटर है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गड़ी कह रहे हैं कि सरकार को इस मुद्दे पर जल्द अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव इस मांग को असंवैधानिक बता रही है। सरकार की ऐसी कोई मंशा, सरकार का ऐसा कोई नोटिफिकेशन? क्योंकि सरकार को तो संविधान के हिसाब से चलना है, सरकार ने तो संविधान की शपथ ली है। संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आनुषांगिक संगठन हैं, वो प्रधानमंत्री जी की वो फुटेज नहीं देखते क्या, जिसमें प्रधानमंत्री जी मिडिल ईस्ट के तमाम राजतंत्र के जो शासक हैं उनको बुला करके ऐसे गले मिल रहे हैं, वो चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर यूएई के हों, शेख जायद से के परिवार से जुड़े हुए शेख नाहयान हो, सबको जब गले मिलाते हैं तब इन लोगों का कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आता। जब अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जब मलेशिया की मस्जिद में जाते हैं, तब इस तरह के ये लोग कहां सोए रहते हैं, तब इनके स्टेटमेंट क्यों नहीं आते? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, राजतंत्र नहीं है, यहां पर यहां लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या परंपरा है, क्या उसको आप भारत में उसी परंपरा को आप भी लागू करना चाहते हैं? तो हम ये मान लें कि क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं, आप संविधान के खिलाफ हैं? मैं समझती हूँ यह जो लोग हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह से समाज को बांटना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि, क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है। और आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं गई है, कही गई है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, ये अपने मन से, अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। यूपी सरकार फिलहाल कुंभ की तैयारियों में बिजी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि साधु संत यही चाहते हैं कि कुंभ सही तरीके से हो। देखिए, साधु संतों की जो भी मांगे हैं, कुंभ बढ़िया हो, बेहतर ढंग से हो, सुव्यवस्थित हो, हमारी सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। यूपी सरकार ही नहीं, हर देशवासी यही चाहता है कि महाकुंभ ऐसा हो जैसा पहले किसी ने ना देखा हो।
सरकार तो इसे ना भूतो ना भविष्यते वाला बनाने की अपनी तरह से वॉर फुटिंग पर तैयारी कर रही है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसा विवाद ना खड़ा किया जाए जिससे रंग में भंग पड़े।